इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट। कंगाली और महंगाई की मार से पाकिस्तान के हालात बद से बदतर हो चुके हैं, लेकिन यहाँ राजनीतिक उथल फुथल में कोई कमी नहीं है। जी हाँ, पाकिस्तान के इस्लामाबाद पुलिस ने पूर्व मंत्री शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया है, नारे तकबीर आखिरी लड़ाई पाकिस्तान, जिसकी वजह से यहाँ सियासी पारा चढ़ गया है। ये गिरफ्तारी मरी मोटरवे से गुरुवार को हुई है। दरवाजे तोड़ के मेरे बच्चों को मारा और मेरे साथ उनके साथ भतीजे शेख रशीद शफीक को भी गिरफ्तार किया गया है। आइए आपको बताते हैं कौन है शेख रशीद। शेख रशीद अवामी मुस्लिम लीग के मुखिया है और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी के पूर्व पीएम इमरान खान के करीबी माने जाते हैं। इमरान खान की सरकार में ही शेख रशीद ने पाकिस्तान के गृह मंत्री का पद संभाला था। बड़ी बात यह है कि हाल ही में पुलिस ने पीटीआई नेता और इमरान खान के करीबी फवाद चौधरी को भी गिरफ्तार कर लिया था। शेख रशीद पर गिरफ्तारी की गाज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता राजा इनायत उर रहमान की शिकायत के बाद ही गिरी है। शिकायत में कहा गया है कि शेख रशीद का कहना है कि पूर्व राष्ट्रपति और पीपीपी के अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी इमरान खान की हत्या की साजिश रच रहे हैं। साथ ही शेख रशीद ने आसिफ जरदारी पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया है। उधर शेख रशीद ने गिरफ्तारी के बाद कहा है कि उनका कसूर इतना है कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं और उनकी गिरफ्तारी मौजूदा सरकार के गृह मंत्री राणा सनाउल्ला के कहने पर हुई है। बताते चले, इमरान खान के करीबी फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के बाद इमरान के एक और करीबी के हाथ हथकड़ी लगी है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या शहबाज शरीफ सरकार जानबूझकर इमरान के करीबियों को टारगेट कर रही है। जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, हर रात से उठेगा पर्दा, सामने आएगी हर खबर की सच्चाई। इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट पर क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।